हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली सुबह 11 बजे हमारे चैनल पर बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए समान ज्ञान यानी जीके की लाइव क्लास होती है, लाइव मॉक टेस्ट होता है, जिसमें आप टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। तो सभी लोग जुड़ जाइए, क्लास लाइव स्टार्ट हो चुके हैं, 5 मिनट लेट भी हो गए भाई। सभी लोग शेयर कर दो क्लास में, और आपके दोस्त जहाँ भी पढ़ रहे हो आप उनको बुलाइए क्लास में, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आप हमारे दूसरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है बी टॉपर 2.0, जिसपे आपको कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, ये स्पेशल क्लासेस चलती है। इस क्लास के तुरंत बाद 11:30 बजे दूसरे चैनल पर विज्ञान वर्ग की क्लास चलेगी, साइंस की क्लास चलेगी, आप लोग देखिए जरूर। और इसके साथ साथ दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कुछ पूछना है, कोई बात करनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो सभी लोग को आवाज आ रही ना, गुड मॉर्निंग लक्ष्मी, श्रेया, खुशी, कहां गायब है सब लोग, सबको बुलाओ भाई क्लास में, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की, देख सकते हैं दोस्तों, ये इसकी कवर पेज होने वाली है। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए बेस्ट बुक होगी ये। कला वर्ग की मैं दिखा रहा हूं, लेकिन आपको विज्ञान वर्ग वगैरह भी मिल जाएगी। लिंक मैंने सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। स्टडी गाइड बुक है, एक ही बुक में आपको कंप्लीट सिलेबस का बुक मिल जाएगा, और आपको यहाँ पर 2700 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, 6 शॉर्ट पेपर भी देखने को मिलेगा, यानी 2017 से लेकर 2022 तक का क्वेश्चन पेपर भी लगा हुआ है इस बुक में। कंप्लीट थ्योरी और एमसीक्यू फॉर्मेट में ये बुक तैयार किया गया है, तो इस गाइड बुक को आप खरीद सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ये मार्केट में भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ चक्षु प्रकाशन की दोस्तों गाइड बुक के साथ साथ प्रैक्टिस बुक भी मार्केट में अवेलेबल है, या फिर लिंक भी दिया नीचे ऑनलाइन बाय करने का, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं और खरीद सकते हैं इसको। चलिए शुरू करते हैं क्लास को दोस्तों। तो आज क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होने वाला है, क्योंकि भैया आज दमदार क्वेश्चन है कुछ थोड़े, ठीक है। जवाब दीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा आज का सेट। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब क्या हो जाएगा, चलिए 1 का आंसर करें। छवि जी, सभी को बुलाओ क्लास में। सूर्या कहाँ है भाई, 1 का आंसर दो आप लोग। सभी लोग भाई क्लास में बुलाओ दोस्तों को अपने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर देखिए आना स्टार्ट हो चुका है। बी का उत्तर हो जाएगा 31 दिसंबर 1600 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए, बताओ भैया 2 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा। प्रवीण, सुचिता, रिजवाना, क्या हो जाएगा जवाब इसका। महिमा गौर, सभी लोग शेयर करें, सभी लोग शेयर करें, और दूसरी क्लास के से हमारे चैनल पे लोगों को बुलाओ भाई, ठीक है। आप सभी को बताइए, हमारा टाइम है, लेकिन बच्चों को इंगेज करने के लिए लोग जल्दी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। चलिए 2 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, गोविंद रानाडे नाम है इनका, गोविंद रानाडे, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए। जो कौन बताएगा इसका जवाब, बताएं आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, प्रवीण कुमार, पूजा यादव, शैलजा, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल। छवि मदद करिए, सपोर्ट करिए, स्टूडेंट को बुलाएं क्लास में आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हो जाएगा, सपना अग्रवाल, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दे रही हैं आप, आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, ये रहा व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। बहुत बढ़िया, जितने लोग यहां पर आंसर कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर बिल्कुल सी का उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहले पहली और प्रमुख संस्था कौन सी थी। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दें आप लोग, 5 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया।
बिल्कुल, जितने लोग पांच का उत्तर कर रहे हैं सी का उत्तर हो जाएगा, ब्रिटिश इंडियन इंडिया एसोसिएशन, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए प्रश्न कह रहा है साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दें आप लोग। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, संध्या, सविता, ब्रजेश सोनकर, सूर्या। गायब तो आप भी थे भैया, चलो कोई नहीं, वहां क्लास खत्म हो गई। रिया पटेल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 6 नंबर का सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसने केंद्र में द्विसदन विधायक के उन्मूलन का सुझाव दिया, ठीक है। ये कथन सही नहीं है, नहीं सही पूछा गया ना, ये कथन सही है, बाकी गलत हो जाएंगे। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 7 है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दें आप लोग। 7 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। सेवन का राइट आंसर आपका ऑप्शन, यहां पर जितने स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं डी का उत्तर हो जाएगा, लिबरल पार्टी, सुना होगा आप लोगों ने, लिबरल पार्टी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत पर हूणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर दीजिए। आज बहुत ही अच्छा सेट लेकर आया हूं भाई, मॉडरेट लेवल का पेपर है, ना ही बहुत आसान है ना ही बहुत कठिन है, ठीक है। 8 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, संख्या तो बढ़ी नहीं रही भाई क्लास में, क्या करें, हम अपना क्लास बंद कर दें क्या, हमसे नहीं पढ़ना है, लोग तो यही चाहते हैं भाई, है ना, टाइम चेंज करके लोग यही चाहते हैं कि बंद कर दें क्लास। क्वेश्चन नंबर 8 का सी का उत्तर हो जाएगा, स्कंदगुप्त, बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 9 है, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 नंबर का जवाब कौन देगा बताइए। सभी लोग शेयर करें भाई, 9 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा। अंजू कुमारी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सविता सरवन, बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा। आदित्य तिवारी, वंदना यादव, बिल्कुल सही जवाब दे रही है। सूर्या, अर्पिता पांडे, श्री, वेरी गुड। देखिए 9 नंबर का जवाब हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 10 है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है, क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दें आप लोग। 10 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए अंशुमा यादव, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब दे रही हैं, आंसर करें बाकी लोग, क्या हो जाएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर आपका ऑप्शन यहां पर बी डी का उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 का डी का उत्तर हो जाएगा, मुंडोक उपनिषद, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें क्वेश्चन नंबर 11 है, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा 11 का बताएं। ग्यारह नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन यहां पर जितने लोग ए आंसर कर रहे हैं, महायान, महायान शाखा से है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल मोहम्मद रिजवान, समझ गया, नूर हैं आप। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 12, देखिए अकबर द्वारा बनाए गए हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही था, अब 12 पे आ जाओ भैया, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था, क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। बारह नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, 12 का सी हो जाएगा, इबादत खाना नाम था, क्या नाम था, इबादत खाना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे, क्वेश्चन टफ तो नहीं लग रहा है बताइए कमेंट करके। 13 नंबर का जवाब दीजिए सभी लोग। काजल कुशवाहा, वेरी गुड, सपना अग्रवाल, रिजवाना, करुणा, वेरी गुड, अंजू, बिल्कुल सही जवाब, सरवन, बिल्कुल सही उत्तर, छवि, सूर्या, पूजा यादव, प्रवीण, सभी लोग शेयर करें भाई क्लास को एंड लाइक कर दीजिए। 13 नंबर का उत्तर हो जाएगा, सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, अकबर के दरबार में ना, अकबर के शासनकाल में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है, 14 नंबर का जवाब किसी को मालूम है बताइए। पूनम पटेल, आपका भी नाम ले लिया, चलिए उत्तर करें आप सब लोग, बहुत बढ़िया, 14 नंबर का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है, चलिए भैया चारों ऑप्शन पढ़ें और बताएं देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है।
15 नंबर का उत्तर हो जाएगा, 15 का डी का उत्तर हो जाएगा, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रश्न कह रहा है यहां पर देखिए, उत्तर से शुरू और शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है, ये देखो भैया, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। चलिए 16 नंबर का उत्तर दें आप लोग, जिनको जवाब नहीं पता वो गेस करके बताएं, देखते हैं भाई सही जाता है नहीं। 16 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, सोलह नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी का राइट उत्तर हो जाएगा, ये वाला सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है, अक्सर मार्ग बदल जाता है, कौन सी नदी का, 17 नंबर का जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, 85 लोग मुश्किल से जुड़ पाए हैं भाई, आज तो लग रहा है 100 भी पूरा होने मुश्किल हो जाएगा। सभी लोग शेयर कर दीजिए क्लास को भाई, अच्छा तुक्का लगाए, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड सचिन, बहुत बढ़िया, बिल्कुल अरुण बिल्कुल सही जवाब, फारहा बिल्कुल बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर आ जा रहा है, 17 नंबर का जवाब हो जाएगा, बी का उत्तर हो जाएगा कोशी नदी, ठीक है कोशी नदी बिल्कुल सही है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 18 है, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है, क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर बताएं आप लोग। अट्ठारह नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, 18 का सी का राइट उत्तर हो जाएगा भाई, लेटराइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, देखिए प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, 19 नंबर का उत्तर दीजिए। चलिए पूजा दुबे बहुत बढ़िया, 19 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है, 20 नंबर का जवाब दें आप लोग। ट्वेंटी का उत्तर क्या हो जाएगा, 20 का ए का उत्तर हो जाएगा किण्वन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, एक वर्ग के में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार कैसा होता है, बढ़ता है घटता है या वही रहता है, क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब दें आप लोग। इक्कीस नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन यहां पर ए का उत्तर हो जाएगा, बढ़ता है। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण बताइए, 22 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, तनु विपिन अरुण वेरी गुड, सोनम प्राची क्या हो जाएगा उत्तर, प्रियंका आंसर करें, किरण बिंद्रा वेरी गुड जवाब दीजिए। 80 लोगों पर रुका हुआ है क्लास भाई, ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, शेयर करते रहिए भाई सब लोग। 22 का बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, धूल कण हो जाएगा। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, 23 नंबर का जवाब दीजिए। तेईस नंबर का उत्तर आपका, ऑप्शन यहां पर डी का उत्तर हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, शर्फ विश्रोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है, 24 नंबर का जवाब दें आप लोग। चौबीस नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वर्ण यौगिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, बेसिक साइंस का क्वेश्चन है, दाब का विमीय सूत्र पूछा गया है, किसी को मालूम है, नाइन्थ लेवल का साइंस है ये, 25 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा। पच्चीस नंबर का उत्तर आपका, ऑप्शन यहां पर जितने लोग बी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है, एमएल के पावर -1 टी के पावर -2 ये सही है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 26 है, जैव सेल क्या है, जैव सेल क्या है भाई बताइए, क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब दें आप लोग। ट्वेंटी सिक्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया वेरी गुड, 26 का उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन यहां पर जितने लोग आंसर कर रहे हैं एक का उत्तर हो जाएगा कोयला, बिल्कुल सही जवाब है ना, कोयला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 है, चलिए यदाशत का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है, 27 नंबर का उत्तर दीजिए,
पूजा बढ़िया आंसर करें, नायरा सिंह बहुत ही बढ़िया, रिया पटेल, मेहनाज बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा उत्तर बताइए, शेयर करें सभी लोग भाई। बहुत अच्छा, 27 नंबर का जवाब देखिए, डी का उत्तर हो जाएगा, सेरेब्रम हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी के तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं, कौन सा है भाई बताओ। 28 का उत्तर दीजिए, देखते हैं कितने लोगों को मालूम है, क्या हो जाएगा उत्तर इसका। डोडो, डोडो 28 का जवाब दो, नहीं बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, 29 का जवाब दीजिए। ट्वेंटी नाइन का उत्तर क्या हो जाएगा, ट्वेंटी नाइन का उत्तर आपका ऑप्शन यहां पर जितने स्टूडेंट्स आंसर करें, बी का उत्तर हो जाएगा, ओ टू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, 30 नंबर का जवाब दीजिए दीजिए। सुरजीत सिंह बहुत बढ़िया, स्वाति वेरी गुड, किरण, रिजवान, श्री वेरी गुड, अंजू बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, क्या हो जाएगा उत्तर बताइए, 30 नंबर का जवाब भाई। 30 का उत्तर क्या हो जाएगा, जी हाँ 30 का बी का उत्तर हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, जल्दी से जवाब दीजिए 31 का जवाब। थर्टी वन का उत्तर बताओ आप लोग, 31 का उत्तर सी का उत्तर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने 32 नंबर, प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कौन आंसर करेगा भैया, 90 लोग आ चुके हैं, कृपा करके भैया इस संख्या को 100 पूरा करा दो, धन्य हो, क्योंकि भाई जहां हमारी क्लास प्रोग्रेस कर रही थी, मतलब 150 से ज्यादा बच्चे आ रहे थे, वहीं दोस्तों इतने कम लोग आ चुके हैं, मतलब घटते ही जा रहे हैं। सभी लोग शेयर करें, सपोर्ट करें भाई, अगर चाहते हैं सर पढ़ाएं कंटिन्यू। 32 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, 32 का ए हो जाएगा, एक वर्ष, बिल्कुल सही जवाब है, क्या हो जाएगा, एक वर्ष सही है यहां पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है, 33 नंबर का उत्तर दीजिए आप लोग। बिल्कुल 33 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहां पर डी का उत्तर हो जाएगा, भारत की संसद, बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, 34 का आंसर दें आप लोग। थर्टी फोर का उत्तर क्या हो जाएगा, 34 का डी हो जाएगा, ब्रिटेन के संविधान से ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35 है, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है, 35 नंबर का जवाब दीजिए, किसको मालूम है। थर्टी फाइव का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा, भाग 20 में। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर सूची को मिलान करना है, चलिए एक तरफ कुछ अनुसूचियां दी गई हैं, वो कौन सी सूची किससे संबंधित है ये आपको मिलान करना है, तो 36 का जवाब दीजिए फटाफट मिलान करके, कौन सा सही हो जाएगा नीचे ऑप्शन। थर्टी सिक्स का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहां पर बी वाला, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये सही मिलान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37 है, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया, 37 का जवाब दें आप लोग। चलिए अनवी सरोज बहुत बढ़िया, ब्रजेश बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, तनु पांडे, अंजू, स्वाति दुबे,
रत्ना वेरी गुड, सुजाता, रजनीश भाई बहुत बढ़िया, मेहनाज वेरी गुड, सुरजीत वेरी गुड। 37 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, लार्ड मैकाले, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? कौन सी क्रांति जो है प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? 38 का जवाब दीजिए। बहुत अच्छा, 38 का उत्तर क्या हो जाएगा? 38 का सी का उत्तर हो जाएगा गुलाबी क्रांति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुलाबी क्रांति हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को बेटर वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? 39 का जवाब मालूम है किसी को? विपिन आंसर करिए। शिखा अग्रवाल वेरी गुड, चलिए बताइए जवाब। थर्टी नाइन का उत्तर आपका ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? IMF और विश्व बैंक। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, 40 का जवाब दीजिए। 40 नंबर का बी का उत्तर हो जाएगा 1949 में। 40 का क्या हो जाएगा? 40 का बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? यह बहुत अच्छा प्रश्न है, 41 का उत्तर दें आप लोग। फोर्टी वन का उत्तर बताइए, 41 का उत्तर ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, वीडी सावरकर, वीडी सावरकर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में आयकर है, आयकर है कैसा कर है बताइए? क्वेश्चन नंबर 42 का जवाब, सविता यादव बहुत बढ़िया, राम विशाल वेरी गुड, श्रेया, चलिए 95 लोग जुड़ चुके हैं। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, क्लास को शेयर करें और 100 लाइव वॉचिंग कंप्लीट करवा दो, मात्र 5 लोगों की कमी है। 5 लोग तो आ ही सकते हैं ना भाई, मेरे कहने पे शेयर कर दो सब लोग जल्दी जल्दी। चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब आया, 42 का उत्तर हो जाएगा बी, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर है। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 43 है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह भी अक्सर पूछा जाता है प्रश्न, जल्दी से बताइए। 43 का उत्तर, फोर्टी थ्री का उत्तर क्या हो जाएगा? 43 का डी का उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है 44 नंबर, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन नंबर 44 का जवाब दीजिए, ब्रजेश आंसर करें, विपिन, रजनीश वेरी गुड, युवराज, अरुण, रितिका वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, लक्ष्मी, क्या हो जाएगा उत्तर? 44 का उत्तर बताइए, बी का उत्तर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही है, मल्लखंभ, बिल्कुल सही है। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 45 है, निपक्ष आंदोलन के प्रेरणता थे? क्वेश्चन नंबर 45 का जवाब दीजिए। बहुत अच्छा, 45 नंबर का उत्तर बताइए, 45 का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत अच्छा। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 46 है, द्रक्मा किस सिक्का किसने चलाया? द्रक्मा सिक्का किसने चलाया बताइए, 46 का आंसर। आपका ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ग्रीक ने। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 47 है, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 47 का उत्तर, इसके बाद नेक्स्ट क्लास साइंस की होगी भैया, सभी लोग आइएगा, नेक्स्ट क्लास का लिंक मैंने लगा दिया है, दूसरे चैनल पर होगा इसके तुरंत बाद, सभी लोग जुड़िएगा। 47 का उत्तर क्या हो जाएगा? 47 का ए हो जाएगा, खादर। अगला है क्वेश्चन नंबर 48 है, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 48 का जवाब। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब श्वेता, बिल्कुल सही उत्तर अर्पिता, पूजा, छवि, संजना वेरी गुड, अर्जिता वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब।
बहुत बढ़िया नायरा, बिल्कुल सही उत्तर संध्या। 48 का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा। बहुत अच्छा, नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 49 है, बेशल मापदंड संबंधित है, बेशल मापदंड किससे संबंधित है बताइए। 49 का जवाब, सभी लोग इस क्लास को लाइक कर देना जिसने नहीं किया है। 48 का उत्तर आपका ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, 48 का सी सही था, 49 पे थे हम ना, बेसल मापदंड संबंधित है तो बिल्कुल ए हो जाएगा, बैंकिंग क्षेत्र से। और ये रहा दोस्तों आज के हमारे अंतिम प्रश्न जीके का, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति 50 नंबर का उत्तर दो। भाई आज निराश हुआ, बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूं, क्योंकि इतने दिन से मैं मेहनत कर रहा हूं और जाकर 150 160 बच्चे आने लगे, उसके बाद दोस्तों मैंने सोचा था जब फॉर्म आ जाएगा तो बढ़ेगा हमारा लाइव वॉशिंग, और हुआ उल्टा, उसका घट गया। और ठीक है, पता नहीं क्यों। 50 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी का उत्तर हो जाएगा, डी बिल्कुल सही है। तो ये रही दोस्तों जीके की क्लास, सभी लोग लाइक कर दो भैया जिसने नहीं किया, कम से कम जो लोग देख रहे हो उनसे तो कह ही सकता हूँ लाइक करने को ना, तो फटाफट लाइक कर दो एंड नेक्स्ट क्लास में आ जाओ, जिनको पढ़ना है आ जाओ स्वेच्छा से, कोई जबरदस्ती नहीं है। पढ़ना चाहते हो तो साइंस की भी क्लास कर लो, आप लोग के कहने पर स्टार्ट किया मैंने तो आ जाओ भाई साइंस की क्लास में, क्लास का लिंक लगा रखा है। और ये फिर मैं एंड करूंगा तो गो नाउ का बटन आएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग जुड़ जाओ, ठीक है। दूसरे चैनल पर आ जाओ फटाफट।